हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज हेयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज जो हम कल कर हमारा जो कल चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है द लास्ट लेसन उसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं और उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आज कर लेंगे ठीक है तो अभी तक स्टोरी में हमने देखा कि फ्रांस जो है वो काफ़ी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि अब जो है एल्सेज एंड लॉरेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी है ना तो उसके बाद जो है बस वो लास्ट क्लास लेते हैं एम हेमल जिसमें दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा होता है कि एफ़र्ट्स पूरे लग रहे होते हैं कि यहाँ पे जो फ्रांस है उसको पूरी बात समझ आ रही होती है पूरी फ्रेंच समझ आ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान देता तो उससे जैसे आज ईजी लग रही है वैसे ही फ्रेंच हमेशा ईजी लगती दूसरी तरफ एम हेमल जो हमेशा काफ़ी क्रैंकी रहते थे वो आज बहुत पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे जिसके वजह से भी बच्चों को काफी अच्छे से फ्रेंच समझ आ रही थी तो अभी हमारी स्टोरी जो थी वो यहाँ तक चल रही थी अब आगे क्या हुआ वो जानेंगे आज की क्लास में तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर दिन ज्यादा शांति थी उस दिन इतनी ज़्यादा कि भाई किसी बच्चे की आवाज़ भी नहीं आई थी सिर्फ जिस चीज़ की आवाज आ रही थी वो क्या थी जब आप पे पेपर पर पेन से लिख रहे हो तो जो आवाज़ आती है ना स्क्रैचिंग की वो आवाज़ सिर्फ आ रही थी फ्लू एंड बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम नॉट इविन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देर फिश होक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू ठीक है अब क्या हुआ कि भाई जो ऐसे छोटे छोटे बर्ग्स होते हैं या बीटल्स होते हैं ना वो उड़ रहे थे लेकिन किसी का भी ध्यान वहाँ नहीं गया सब इतने अटेंटिव थे क्लास में कि किसी का भी ध्यान जो ये बीटल्स uh, हैं उन पर भी नहीं गया

वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन इज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग ठीक है और जब भी मैं जो भी काम करा था उसके जैसे उठ कर देखता मतलब उठ कर नहीं सिर्फ जैसे ऐसे अपन लिखते और ऐसे देखता है ना तो मैं देखता कि एम हेमल जो है बिल्कुल एक स्टिल पोजिशन में बैठे हैं और कहीं जो है गौर से देख रहे हैं एज इफ हीस इन इज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लॉन्ग्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम फैंसी ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि वो सब चीज़ें जो है ना ऐसी कि ऐसे अपने माइंड में छाप लें है ना जो स्कूल रूम में थी हमारे क्लास रूम में थी वो सारी चीज़ों को वो ऐसे गूर घूर कर देख रहे थे कि जैसे बस वो इन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ अपने दिमाग में छाप कर हमेशा के लिए रख लें For 40 years he had been there in in the the same place with his his garden outside the window and his class in front of him just like that. मुश्किल है ना चालीस साल से चालीस साल से जिस बंदे ने सब कुछ वैसा का वैसा रखा हो वैसा का वैसा देखा हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो कैसे ये सब चीजें छोड़कर जाए ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हार्ड बीन वॉन्ट स्मूथ द वॉलट ट्रीज इन द गार्डन वॉलर एंड द होप वाइन दैट हीड हिमसेल्फ ट्विंट अबाउट द विंडोज टू दूफ तो बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई थी जैसे कि जो हमारे डेस्क वगैरह हैं वो चेंज हुई थी जो वॉलट ट्री है वॉलट अखरोट का जो पेड़ है वो अब थोड़े लंबे हो गए थे और जो उन्होंने एक होप वाइन का प्लांट लगाया था अब वो भी बड़ा हो गया था बस इतना ही चेंज जो है आया था How it it must have broken his his heart to to leave it all, poor man to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. ठीक okay? है मतलब अब यहाँ पे जो है फ्रांस सोच रहा है कि कितना उनका दिल दुख रहा होगा कितना उनका दिल टूट गया होगा 40 साल में उन्होंने जो भी किया उसको ऐसे छोड़ना है ना और जो है दूसरी तरफ उनकी सिस्टर की आवाज़ आ रही थी जो सामान पैक कर रही थी क्योंकि शायद वो अगले दिन ही कंट्री छोड़ जाने वाले थे, but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bi bi bu bu. ठीक है, और उसके बाद जो है क्या हुआ? उसके बाद हमें एक history का lesson बताया गया. Down there at the the back of the room, old एट had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. ठीक है आप दूसरी तरफ क्या हो रहा था जो पीछे वाली साइड थी रूम की वहाँ पे जो ओल्ड होजर था उसने चश्मे लगाए और जो प्राइमर है प्राइमर क्या है पहली कोई बुक है हिस्ट्री की आई guess है ना वो ली और जो है उसमें से जो है वो पढ़ने लगा <laughs> यू कूड सी दैट ही टू वॉज तुम साफ देख सकते थे कि वो भी रो रहा थायर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ इन क्राई है ना अब ऐसा होता है कि जब आप रोने लगते हो और आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा जाती है तो वो काफी फनी लग रहा था और हम जो है रोना भी चाह रहे थे और हंसना भी चाह रहे थे आ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दास्ट लेसन ऑल एट व चर्च क्लॉक ठीक है अब वो खुद से कह रहा है जैसे कि मुझे देखो कितने अच्छे से याद है वो जो लास्ट लेसन हुआ मुझे बहुत अच्छे से याद है, है ना मतलब पूरा मैंने इतना केयरफुली पढ़ा कि मुझे याद है और अब कितने बज चुके थे बारह बज गए थे एंजल एंड एट द सेमेंट दम्पेट ऑफ दूशियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज और उसके बाद क्या हुआ उसी टाइम जो है जैसे बारह बजे तो जो सारे जो भी सोल्जर्स थे पुरुषियन सोल्जर्स जो अभ्यास कर रहे थे उनकी आवाज आने लगी और वो वहां विंडो के पास आने लगे एम एम्स टूड ऑप वेरी पेल इन इज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सोट ऑल माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चौकड हिम ही कुड नॉट गो ऑन अब एम एम एल जो है वो खड़े हुए और काफ़ी मतलब पी ऐसा होता है ना कि कभी आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो तो आप पीले लगने लगते हो ठीक है तो वो खड़े हुए तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था अब फ्रांस कहता है कि मुझे ना मतलब कभी पता ही नहीं था कि एम एम एल जो इतने लम्बे हैं अब वो कुछ कहने वाले थे लेकिन वो नहीं कह पाए उनका मतलब ऐसे चौक हो जाना गला चौक हो जाना मतलब जैसे सांस रुक गई हो और वो आगे बोल ही नहीं पाए वो जो भी बोलना चाह रहे Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on it all his might, he wrote as large as he could, वे वे ला फ्रांस ठीक है अब क्या हुआ उनसे बोला नहीं जा रहा था तो उन्होंने क्या किया ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े चौक से जैसे तैसे वो लिख सकते थे उन्होंने क्या लिखा वे वे ला फ्रांस Then he he stopped and and leaned his his head against the wall, and without a word, he made a word made gesture to us with his end. School is dismissed. You may go. ठीके? we will have France. I guess goodbye France होगा है ना उन्होंने ये लिखा और उसके बाद जो है वो बोल नहीं पाए तो भी तो उन्होंने क्या किया इशारा किया और इशारे से हमें बताया कि क्लास जो है वो फिनिश हो गई है और आप सब जो हो जा सकते हो ठीक है चलो तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है है ना स्टोरी फिनिश हो गई है कि मतलब कितना डिफ़िकल्ट था उनके लिए एम हमिल के लिए छोड़ के जाना कि वो बोल भी नहीं पाए एंड में कुछ बोलना भी उनसे हुआ नहीं तो वो लिख कर चले गए है ना तो यहाँ पे ये यह बताता है कि कितना उनको प्यार था अपने देश से अपनी लैंग्वेज से और अपने स्कूल से अपने बच्चों से कि बस वो नहीं कर पाए ना आगे बोल ही नहीं पाए और वो ऐसे ही बस लिख कर वहाँ से चले गए तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अगर कुछ चीज मिल रही है ना कि भाई तुम लर्न कर लो तो तुम्हें वो कर लेनी चाहिए कल पे नहीं टालनी चाहिए बिकॉज हो सकता है कि तुम वो दोबारा चीज कभी सीखने का तुम्हें मौका ही ना मिले ठीक है तो इस तरीके से स्टोरी थी इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो सौ मिल सौ मिल क्या होता है जो लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री होती है ना कारखाना वो ड्रिलिंग अभ्यास है ना जो पुरुष सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे मतलब अपना अभ्यास कर रहे थे टेम्पिंग आकर्षक लगता है जिस तरफ खींचे चले जाते हैं Resist अप्रभावित रहना है ना उससे प्रभाव ना पड़ना. Apprentice शिक्षु परिशिक्षु. A great battle है ना जो हलचल हो रही थी बहुत ज़्यादा. Unison एक ही सुर में सब बोल रहे थे. Counted on counted on का मतलब यहाँ ये यह नहीं है गिनना यहाँ पे counted on का मतलब क्या है किसी पर भरोसा करना. Commotion हल्ला गुल्ला मचाना. Blushed शर्माना. Solemn गंभीर serious. प्राइमर प्रथम पुस्तक है ना एक कोई हिस्ट्री की आई गेस होगी पहली पुस्तक वहाँ की थम्द बिगड़ा हुआ न्यूसांस बाधा क्रैंकी चिड़चिड़ा ड्रेडफुल भयानक आप, मिश्रित प्रटेंड करना ढोंग करना है ना कूड़ जो मैंने बताया गुटरगू की आवाज जो होती है कबूतरों की गेजिंग घूरना या देखते रहना ट्विंड लिपटा हुआ और चोक सांस रुकने की स्थिति है ना जो स्थिति होती है जो मैंने भी बताई तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो थिंक एज यू रीड वाले क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे ठीक है आप पहला जब जो हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमने क्या देखा कि जो फ्रांस है उसको किस चीज के लिए प्रिपेयर होकर आना था क्या पढ़ना था उसे दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज़ एम हेमिल्ट हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन पार्टिसिपल्स फ्रांस डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट पार्टिसिपल्स तो उस दिन जो है फ्रांस से फ्रांस को जो है क्या चीज़ करनी थी पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना था और जो है क्योंकि एम एम एल ने बोला था कि मैं आज तुमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करूँगा लेकिन फ़्रांस को जो है कुछ भी नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन टू देखो वॉट डिड फ्रांस नोटिस दैट वॉज अनयूजअल अबाउट द स्कूल डेड डे अब उस दिन जो है फ्रांस ने क्या चीज़ ऐसी नोटिस की जो काफ़ी अलग थी जो यूजल जो आमतौर पर नहीं थी वैसे क्या चीज़ उसने नोटिस की तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बासिल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट तो आम तौर पर क्या होता था जब स्कूल शुरू होता था तो काफ़ी हल्ला गुल्ला होता था सारे बच्चे अपनी क्लासेस में जा रहे होंगे टेबल्स बेंचेस सबकी आवाज़ आ रही होती है बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे बट उस दिन जो है, बिल्कुल, जो है सब कुछ बिल्कुल स्थिर था एवरी संडे मॉर्निंग सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे के दिन स्कूल होता है ना वैसा देर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्कडी इन दियर प्लेसिज द टीचर्स ग्रेट रूल रूल इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हेम्स आम है ना उस दिन जो है सारे बच्चे जो अपनी जगह पर बैठ गए थे चुपचाप पहले से बैठे हुए थे और जो एम हेम एल की जो रूलर uh, थी जो उनकी आयरन uh, वाली रूलर थी वो जो है वो कहीं जो है बज नहीं रही थी किसी टेबल पर बल्कि उनके हाथ में ही थी वट हार्ट बीन ऑन द बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था वो बताना है तो द लास्ट टू ईयर्स ऑल दी बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम द बुलेटिन बोर्ड तो दो साल से भाई जो भी सारी बुरी न्यूज़ें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी एंड ऑर्डर हैड कम फ्राम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्स एंड लोरिन तो एक ऑर्डर आया हुआ था बर्लिन से क्योंकि प्रूशिया जो है वॉर जीत गया था जिसकी वजह से एल्स और लोरिन के स्कूल में फ्रेंच हटाकर जर्मन पढ़ी जाने वाली थी पुट दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड जर्मन के जो लोग हैं जर्मनी के लोग उन्होंने ही जो है बुलेटिन बोर्ड पे पर नोटिस लगाया था चेंजेस द दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे ठीक है क्या क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिले उस दिन जो बर्लिन का जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से एम हेमिल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड टी शर्ट फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड उस दिन एम हेमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे है ना तो यहाँ पे देखो ये विशेषता याद रखनी है क्या था ब्यूटिफुल ग्रीन कलर का कोट था फ्रिल्ड टी शर्ट थी और लिटिल सिल्क की ब्लैक कैप थी सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज इन सॉलिम ऑन द बैक बेंचिज दैट वर ऑलवेज एम टी द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स उस दिन जो है सब कुछ जो है पूरा स्कूल बहुत विचित्र लग रहा था बहुत सीरियस लग रहा था और बैक बेंचेज जो हमेशा एम टी रहती थी वहाँ पर जो है गाँव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे क्वेश्चन टू देखो हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेम एल एन स्कूल चेंज फ्रांस की जो फीलिंग है वो कैसे चेंज हुई एम हेम एल के लिए और स्कूल के लिए तो फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव दैम फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन ठीक है तो फ्रांस को ये पता चला कि भाई एम हेम एल जो है उनका आज यहाँ आखिरी लेसन है और अब कल से जो है उन्हें जर्मन सिखाई जाएगी दैन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग इज लेसन प्रॉपर्ली उसके बाद उसको रिग्रेट हुआ पछतावा हुआ कि उसने क्यों नहीं फ्रेंच जो है ढंग से पहले पढ़ी हिज बुक्स विच न्यू सान्स एंड अ बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स अब जो बुक्स उसे जो है बाधा लगती थी बर्डन लगती थी अब उसे उसकी पुरानी दोस्त लग रही थी जिन्हें वो कभी नहीं मिल सकता था हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेम ऑल्सो चेंज ही फॉल ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और उनके जो एम एम एल के लिए जो फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई थी वो बिल्कुल भूल गया था कि एम एम एल जो है वो कितने चिड़चिड़े थे, थे या जो है किस तरीके से हमें रूलर से मारते थे तो ये सब उसकी चेंज हो गई थी अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट वाले देखो क्वेश्चन नंबर वन द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ देयर लैंग्वेज इज टू दैम shows you यू दिस does this हैपन तो आपने देखा कि जो लोग थे इस स्टोरी में उन्हें सडनली रियलाइज हुआ एकदम से रियलाइज हुआ कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है तो ये चीज किस वजह से दिखी है वो बताना है

ही प्रेज्ड फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड वो फ्रेंच की जो है काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है सबसे क्लियरेस्ट है प्योरेस्ट लैंग्वेज है ही सेट दैट फॉर द एनस्लेव पीपल देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रेजेंट उन्होंने आगे क्या बोला कि जो लोग बेचारे कहीं गुलाम है कहीं कैद है उनके लिए उनकी लैंग्वेज ही जो है वहाँ की चाबी है दैन द पीपल रियलाइज हाउ प्रेशर देयर लैंग्वेज वॉज टू डैम और उसके बाद जो है लोगों को भी रियलाइज हुआ कि भाई फ्रेंच जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर ट्रेडिशंस एंड कंट्री प्राइड इन वन्स लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन दी मदर इससे हमें दिखता है कि भाई जो है उन लोगों में जो है काफ़ी देशभक्ति थी काफ़ी अपने कल्चर के लिए प्रेम था और यही चीज़ जो है दिखाती कि आपको आपकी मातृभूमि से कितना प्रेम है

द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्रस्ट ठीक है आप यहाँ पे जो है ना एक मतलब टिपिकल फ्रेंच मैन दिखा हमें कि वो कहता है कि भाई क्या आप ये जर्मन में बुलवाएंगे कि हमारे फ्रेंच कबूतरों से भी हालांकि फ्रेंच में भी नहीं बोलते हैं कबूतर तो है ना बट एक होता है ना कि बस हाँ टिप्पणी कर दी तो वो वाली चीज थी बींग डिप्राइव्ड द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद मदरलैंड अब आप खुद सोचो कि आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ कि आप लैंग्वेज बोल ही नहीं सकते तो कितना मतलब है ना कि आप अपनी मातृभूमि से ही अलग हो रहे हो

फिनिश हो जाता है तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत जरूरी है कि आप जो है अपनी आ, अपनी लैंग्वेज को तो आपको रखना ही है हमेशा संभाल के लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं दैट इज़ इंग्लिश उसको भी संभालो उसके लिए भी काम करना शुरू कर दो ताकि बाद में तुम्हें जो है पछतावा ना हो ठीक है तो इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे